हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। आज की रेसिपी है मिक्स पल्स की दाल, जो कि स्वादिष्ट, सेहतमंद और बनाने में बहुत ही आसान है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सो ये देखो, ये है मिक्स पल्स, या ये कहूँ मिक्स प्राउड। ये डीमार्ट में बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐसे तो लोकल मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाती है। इसमें है लोबिया, हरी मूंग, मसूर की दाल। तो अगर आप भी एक नए और स्वादिष्ट दाल की रेसिपी की तलाश में हो तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो इसे पहले मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, ये 200 ग्राम है। अब इसे हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। हम बिना भिगोए ही इस दाल को प्रिपेयर करेंगे। ये वन पॉट रेसिपी है, तो पहले मैंने इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ ऑनियन को फाइनली चॉप कर ऐड कर लूँगी। साथ ही साथ दो मीडियम साइज़ टोमेटो, उसे भी फाइनली चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब 3 से 4 लहसुन की कली, उसे भी छीलकर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और 1/4 टीस्पून ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 ग्लास पानी। अब हम नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, और कुकर की लिड लगाकर हम इसे 3 से 4 सीटी आने तक दाल को गलने देंगे। गैस के फ्लेम को करेंगे हाई और 3 से 4 सीटी तक हम इसे पका लेंगे। फिर कुकर को ठंडा कर लिड ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारी दाल एकदम बढ़िया से गलकर रेडी हो गई है। अब चम्मच की मदद से हम इसे हल्का सा मैश कर लेंगे, तो आप देख सकते हो दाल पूरी तरह अच्छे से गल चुकी है। तो अब चलते हैं तड़का लगाने की ओर। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच ऑयल, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून राई, साथ ही साथ 2 कश्मीरी लाल मिर्ची, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर इसमें ऐड कर लिया है, और कुछ करी लीव्स, 10 से 15 करी लीव्स आप ऐड कर सकते हो। अब गैस की फ्लेम को लो रखते हुए ही हमें इसे अच्छे से पका लेना है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे हम इसमें आधा चम्मच हींग पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच से इसे अच्छे से चला लेंगे। गैस के फ्लेम को करेंगे बंद, और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इससे तड़के का स्वाद बहुत एनहांस हो जाता है और दाल में कलर बहुत बढ़िया सा आता है। तो मैंने दाल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और उस तड़के को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे मिक्स स्प्राउट की दाल या मिक्स पल्स की दाल एकदम रेडी टू सर्व है। अब थोड़ी सी हरी धनिया से मैंने इसे गार्निश कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।